सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपकी समस्या का बिल्कुल त्वरित निवारण समाधान निकाला जाएगा, हम इसकी आशा करते हैं। धन्यवाद। हम सभी का 8 सूत्री मांगों को लेकर के ये था, सभी माननीय पार्षद लोग, माननीय मुखियागण और पंचायत समिति महोदय, कुछ आम जन मजदूर ये सब लोग भी थे। तो जो भी पेंडिंग वर्क्स था, जो 8 बिंदु दर्शाया गया है, उस सारे बिंदु पर कैसे उसका समाधान होगा, इस पर भी विशेष चर्चाएं हुई और जल्द ही उसका समाधान हो जाएगा ऐसा जिलाधिकारी महोदय द्वारा भेजे गए अपर समाहर्ता महोदय से वार्ता हुई। तो उम्मीद भी है कि जल्दी हो भी जाए, क्योंकि हम सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी दोनों का मुख्य उद्देश्य जनहित का कार्य करना ही है। तो हम लोगों का था कि जो शिथिलता है वो शिथिलता दूर हो, काम तेज़ी से हो और अच्छे तरीके से हो, और अगर इस तरह का आश्वासन मिलता है तो फिर हम लोग अनावश्यक किसी तरह का परेशानी उत्पन्न नहीं हो इसका प्रयास करेंगे। चूँकि हम लोग धरना समाप्त करने की घोषणा करेंगे थोड़ा देर में, कुछ बात है जो संवाद आदान प्रदान करनी है, उसके बाद धरना समाप्त होगी। माननीय पार्षदगण का यही निर्णय है। यहाँ पे धरना का और अभी क्या कुछ वार्ता हुई है? देखिए, यहाँ 8 सूत्री मांग था और DDC के तानाशाह के खिलाफ ये अनिश्चितकालीन धरना था, जो अभी जिला अधिकारी महोदय का निर्देशानुसार बहुत जल्दी कार्य प्रगति पर आएगा और 2-4 दिन में इसका समाधान हो जाएगी। अभी बातचीत हो गई है, जिला अधिकारी महोदय आए थे और अब जो है धरना कुछ देर के बाद समाप्त हो जाएगी। अरुण कुमार गुप्ता, सरार इंजन 14, समस्तीपुर।